माइक्रोवेव में कॉर्न आलू टिक्की बनाएंगे, वो भी ऑटो कुक मेन्यू को यूज़ करते हुए। आलू कॉर्न टिक्की में सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है ये मैश्ड पोटैटो, ये कॉर्न, धनिया पत्ती चॉप किया हुआ, ग्रेट किया हुआ अदरक, हरी मिर्च और ये मिंट है, पुदीना, ब्रेड क्रम्स, सॉल्ट टू टेस्ट और कॉर्न फ्लोर बाइंडिंग के लिए, और 1 से 2 चम्मच आपका ऑयल लगेगा जो कि हम ब्रशिंग करेंगे। ये थोड़ा पुदीना पत्ता है और ये चॉप धनिया पत्ती, ठीक है, ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग के लिए, सारे ड्राई को मिला के, इंग्रेडिएंट्स को मिला के हम अच्छे से मैश करेंगे और इसको टिक्की का शेप देंगे। ये देखिए, ये मैं ना ब्लैक अपना मल्टी कुक तवा में ऑयल ब्रशिंग कर रही हूँ। ये डाइट फ्राई का ऑप्शन है, डाइट फ्राई 1 में ये हमारा 24 नंबर पे कॉर्न आलू टिक्की इंस्टॉल्ड है, कॉर्न आलू टिक्की, ठीक है, तो हम इसको 24 नंबर पे जाएंगे, डाइट फ्राई के 24 नंबर में है ये इंस्टॉल्ड, ठीक है। इसे स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं तो ये प्री हीट हो रहा है। ये टिक्की का शेप बनाएंगे हम, ब्रेड क्रम्स में रोल करके रख दे रहे हैं, ठीक है। ताकि ये अच्छा से ब्राउन हो जाए, इसको हाई रैक रख रहे हैं, हाई रैक के ऊपर इसको प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है, और हम ये स्टार्ट बटन प्रेस कर दिए। ऑटो कुक मेन्यू में बन रहा है हमारा, तो टाइम वगैरह मोड वगैरह मेरे को डालने का ज़रूरत नहीं है। LG माइक्रोवेव में आपको ऑटो कुक में डाइट फ्राई के ऑप्शन पे ये इंस्टॉल्ड है। अभी बीप साउंड आया है तो इन बिटवीन एक बार निकाल के हम लोग इसको ना पलट लेंगे, इसको फिर से डाल के अंदर रेस्ट ऑफ टाइम के लिए स्टार्ट कर देंगे, है ना। ये देखिए टिक्की तो ब्राउन हो गया है, है ना। ये देखिए, ये हमारा आलू कॉर्न टिक्की बनकर तैयार है। इसे हम फास्टिंग में या शाम के नाश्ते में ऐसे भी ऑर्डिनरी यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी और कम तेल से बना है। थैंक यू।